वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत ने चीन को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। इस मुकाबले की इंडियन स्टार रही दीपिका ने सबसे ज्यादा 11 गोल किए, जिस वजह से भारत को जीत हासिल हुई। आज सुबह 4 बजे बिहार से पटना जा रही बस रोड निर्माण के कारण अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी, जिस वजह से बस में सवार 7 लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग अन्य रूप से घायल हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आज PAC की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि पार्टी आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की घोषणा करेंगी। मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित 7 अन्य व्यावसायिक अधिकारियों पर अरबों डॉलर की रिश्वत और धोखाधड़ी की योजना बनाने का आरोप लगा है। जी हाँ, गौतम अडानी पर आरोप है कि इन लोगों ने सौ ऊर्जा से जुड़े सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन यानी 21 अरब रुपए से अधिक की रिश्वत देने का वादा किया था। महाराष्ट्र चुनाव के बाद कई एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिन्हें देखकर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी दल की ही सरकार बनने जा रही है। उन्होंने आगे कहा है कि उनके गठबंधन के नेता ही 25 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।